तो लगातार सुबह से ही हम ये चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से इस मंत्रिमंडल को बैलेंस किया गया है। रघु शर्मा इस वक्त कुछ कह रहे हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व ने और हमारे दोनों मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया है, तो कोई सोच समझ के फैसला किया होगा। हम सब पार्टी के परिवार के सदस्य हैं, जरूरी नहीं कि कोई मंत्रिमंडल में आए। जो नहीं आया है उसका भी हमारी पार्टी में उतना ही सम्मान है, उतनी ही जिम्मेदारी उनकी भी है। सर, आपको लोकसभा में जीत मिली, विधानसभा में दोबारा जीत मिली, केकड़ी विधानसभा क्षेत्र से आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हम अजमेर लोकसभा क्षेत्र के तमाम वासिंदों का और विशेष तौर से केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के लोगों का मैं तहे दिल से आभारी हूँ कि जो विश्वास उन्होंने मुझ पर व्यक्त किया है, आज 54 साल बाद केकड़ी विधानसभा क्षेत्र का उनका नुमाइंदा आज कैबिनेट मंत्री बना है। पिछले 54 साल से उस विधानसभा क्षेत्र में कोई भी कैबिनेट मंत्री नहीं बना था, तो जो विश्वास उन्होंने मुझ पर दिया है, जो आशीर्वाद उन्होंने दिया है, तो हमारे हाईकमांड ने भी बदले में उनको एक प्रतिनिधि के रूप में राजस्थान सरकार में चेहरा दिया है। सर, पोर्टफोलियो की बात करें तो क्या मानते हैं, किस तरह की जिम्मेदारी मिली? हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अपने लिए अगर राजनीति करते हैं पार्टी के लिए राजनीति करते हैं। मेरे साथ रघु शर्मा जी की धर्मपत्नी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मैम, किस तरह से महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी हो रही है और केकड़ी की जनता का विशेष धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रघु शर्मा जी, ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस के एक कार्यकर्ता के रूप में उनको जिम्मेदारी मिली और इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र सिंगल के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। तो अजमेर से सांसद रहे रघु शर्मा इस बार विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, केकड़ी से जीत जाते हैं। चुनाव की जो तमाम तैयारियां थी उसमें भी उनको अहम जिम्मेदारियां दी जाती हैं और उसके बाद जब सत्ता में कांग्रेस आ जाती है, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण की जब बारी आती है, तब भी रघु शर्मा एक बड़े फेस के तौर पर दिखाई देते हैं तमाम जिम्मेदारियों को संभालते हुए, और अब उन्होंने आज मंत्री पद की शपथ ली है।